अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 11 नवंबर है और ये जो 11 नवंबर है ये नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है इन इंडिया। और ये 11 नवंबर को ही सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, ये जो कौमी यौम तालीम का जो दिन है, ये हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद की यौम पैदाइश की याद में मनाया जाता है। ये उसके जज्बे और तालीम के मैदान में जो उसका कंट्रीब्यूशन था उसके एजाज में मनाया जाता है। और जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जो हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, उसका कंट्रीब्यूशन एक ये है कि हिंदुस्तान की पहली जो आईआईटी थी वो उसी के दौर में बनी है मेरे दोस्तों। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हम ही मुस्लिम्स जिनका हिंदुस्तान में पहला एजुकेशन मिनिस्टर रहा है वो तालीम में बहुत पीछे हुए। और इसी को मद्देनजर रखते हुए एक बार इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, हैरत है कि तालीम तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई थी तो आप जानते हैं वो वही इकरा से शुरू हो रही थी। इकरा यानी कि पढ़ो। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे लिए तालीम हासिल करना कितना जरूरी है, एक मुस्लिम के लिए तालीम हासिल करना कितना जरूरी है। मेरे दोस्तों, इसी असना में हम कश्मीर के एजुकेशन पर नजर डालते हैं। पिछले एक डिकेड से, पिछले 10 सालों से कश्मीर की तालीम जो है, एजुकेशनल सिस्टम जो है, वो बर्बाद हो गया है। अब पिछले 10 साल से अगर नजर डालो, इस हिस्ट्री में अगर आप नजर डालोगे तो आप देखोगे कि 2013 से हमारी तालीम पूरी तरह से नीचे गई। 2013 में हमारी तालीम मुतासिर होना शुरू हुई। 2013 में अफजल गुरु की जो हैंगिंग थी उसकी वजह से कश्मीर में लॉकडाउन लगा, इंटरनेट को बंद किया गया। अभी हम इस जो ये हमारे लिए जो हमारी ये तालीम पर जो ये खतरनाक घड़ी आ गई थी, इससे निकल ही रहे थे कि 2014 में कश्मीर में हिस्टोरिकल फ्लड्स आ गए, कश्मीर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और कश्मीर की तालीम, ये जो 2014 में फ्लड्स आए, ये पहली बार था जब कश्मीर में एग्जाम जो है मुलतवी हुए। उसके बाद 2015 आ गया, हम अभी इस हिस्टोरिकल फ्लड्स की सितम जरीफी से निकल ही रहे थे कि 2016 में और एक इंसिडेंट हुआ, बुरहान वानी की जो किलिंग है उसी से एक लॉन्ग लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, इंटरनेट बंद किया गया और फिर से हमारी तालीम बहुत ज्यादा मुतासर हुई। 2017 आया, लॉकडाउन्स कंटिन्यू रहे, हड़ताल कंटिन्यू रहा। 2018 आया, ये भी उसी तरह से गुजरा। अभी 2018 निकला, 2019 आया, 2019 में आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया गया, जिसकी वजह से फिर से लॉन्ग लॉकडाउन लगा, फिर से एक इंटरनेट स्नैप किया गया बहुत ज़्यादा टाइम, फिर से हमारी तालीम मुतासर हुई, फिर से हम घर में रहे। अभी कुछ 1-2 महीने स्कूल फिर से गए ही थे कि कोरोना वायरस जो है पेंडेमिक आया और फिर से कश्मीर की तालीम जो है मुतासर। और आज तक कश्मीर के जो स्कूल्स हैं वो बंद ही रहे। मेरे दोस्तों, मेरी बात के कहने का मतलब सिर्फ एक है कि कश्मीर की जो तालीम है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो गई। हम जो कश्मीरी हैं, हमको चाहिए कि हम अपनी तालीम को थोड़ा सा इस पे जोर दें और अपने एजुकेशनल सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव लाए। और इस ये जो नेशनल एजुकेशन डे है आज जो मनाया जाता है, इसका जो मेरा मकसद है, इस पर जो बात करने का मकसद है सिर्फ एक था कि हम जो मुसलमान हैं हमारे लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम बहुत पीछे हो गए, तो हमें इस पर सोच विचार करना चाहिए।